चलिए स्टार्ट कीजिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन, बिकॉज यस्टरडे ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम सम स्टूडेंट्स नॉट attended class, so voice is not clear. Okay, electronic configuration that means the distribution of electrons in orbitals. Okay, and we know that whenever we fill the electrons in orbitals, voice nahi aa rahi hai sir, kyun nahi aa rahi aawaz, dekhiye yahan se wo to on hai, aawaz bilkul bhi nahi aa rahi hai ki slow aa rahi hai, slow aa rahi hai नहीं पड़ता। हेलो 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 मैम, वॉइस आई? यस मैम। नहीं आ रही सर बिल्कुल। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही? अब अब आई आवाज? हेलो, अभी आई आपके पास आवाज आई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नाइन सेवन है, सेवन सेवन एट। ओ शिट, एक्सक्यूज मी सर, सर माइक एक्सचेंज हो गया, आपको ये वाला लगाना है। हम कहा था, लगा रहे थे। अच्छा अच्छा काय तो चालू रहो के नहीं ना, तो शुरू से पढ़ाए फिर से, नहीं स्टार्टिंग से पढ़ा दो। तो आज मैं आप सभी को शारीरिक शिक्षा में हिंदू धर्म कब अस्तित्व में आया, कब इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुआ और उत्पत्ति काल कब माना गया है, ये सब बताने वाला हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और अपनी शारीरिक शिक्षा की नोटबुक में इसको नोट करें। तो हिंदू धर्म का अस्तित्व मनुष्य के जन्म काल, यानी मनुष्य के जन्म काल से ही अस्तित्व में माना गया है, यानी कि मनुष्य का जन्म काल। और अगर पीछे जाएं तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का विशेष योगदान माना गया है। और ब्रह्मा को जो है
सृष्टि के लिए ब्रह्मा का जो है कार्य सृष्टि की उत्पत्ति करना था और रचना करना, और विष्णु का कार्य था संपूर्ण सृष्टि का पालन करना, और शिव का काम था संपूर्ण यानी शिव माने महेश समस्त सृष्टि का संहार करना यानी विध्वंस करना। तो इस तरह ये तीन देवों में जो है जो उत्पत्ति हुई। तो जब भी महाप्रलय हुआ और महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि की नई उत्पत्ति हुई, तो नई उत्पत्ति में ये काम ब्रह्मा जी के अधीन था और ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की पुनः नई स्थापना की और संपूर्ण सृष्टि का पालन कराने का काम श्री विष्णु भगवान का था और उन्होंने समस्त सृष्टि को पालन करने का काम अपने अस्तित्व में लिया। प्राचीन काल में यह धर्म वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता था, यानी पुराने टाइम में, प्राचीन माने पुराने समय में, उस प्राचीन वैदिक धर्म के विकसित और प्रवर्तन रूप को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम, यानी जो भी धर्म और भी हैं यहाँ हिंदुओं के बाद, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी हैं, तो इस तरह से हमारे भारत में जो अन्य धर्म के लोग हैं और संसार में और भी कई धर्म और कई जातियों के लोग हैं, लेकिन सबसे प्राचीन धर्म माना गया है हिंदू धर्म को। यानी तो प्रवर्तन रूप में हिंदू धर्म में कहा जाता है हिंदू धर्म विश्व का, यानी केवल हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म में अनेक, एक नहीं अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है और अवतारवाद को महत्व दिया जाता है। खास तौर से अभी जो महीना चल रहा है वो सावन का महीना चल रहा है, इस पहले जो है आषाढ़ का माह था और आषाढ़ के माह में जैसे ही बरसात का शुभारंभ होता है और पहला पखवाड़ा निकलने के बाद, क्योंकि दूसरा पखवाड़ा जब स्टार्ट होता है तो हमारे यहाँ सभी देवी देवताओं की एक पूजा की जाती है। हमारे धर्म और संस्कृति में ऐसा है कि लोग अपने जो भी देवी देवता होते हैं, देवी जी हैं, हनुमान जी हैं, ठाकुर बाबा हैं या जो भी और हैं, हरदौल बाबा हैं, तो जो भी देवी देवता होते हैं उन सबका एक बार पूजन और आवाहन जरूर करते हैं। अवतारवाद को महत्व दिया जाता है, यानी हमारे धर्म में अवतार भी हुए हैं और अवतार भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का और विष्णु भगवान के एक्चुअल में कई अवतार हुए हैं। भगवान अवतार हुआ है, नरसिंह अवतार हुआ है, तो इस तरह से भगवान विष्णु ने जब भी सृष्टि में कोई उथल पुथल की स्थिति आई या कोई भी राक्षस जो है अपना बल और अपने साहस से अगर उसने देवताओं को परेशान किया या मनुष्य को परेशान किया, तभी जो है उस संकट के समय में भगवान की उत्पत्ति हुई और उन्होंने उस संकट से सभी को उभारा। हिंदू धर्म में कई पवित्र ग्रंथों हैं जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता। तो वेदों की संख्या जो है लगभग 4 बताई गई है और पुराणों की संख्या लगभग 18 है और रामायण हमारा सबसे पूर्ण ग्रंथ है और महाभारत और गीता। तो इसमें जो है रामायण में जो भी वर्णन है
वो भगवान राम की जो है जो उनकी नगरी जो थी वो अयोध्या थी, और अयोध्या में उनका जन्म हुआ, और महाराज दशरथ के वो पुत्र थे, और वो चार भाई थे, और चारों भाई एक साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में उन्हों की शिक्षा दीक्षा हुई, और शिक्षा दीक्षा के बाद जो है जब शिक्षा समाप्त हुई तो बालक गुरुकुल से अपने घर आए, और घर आने के कुछ समय बाद ही महामुनि भगवान जो है विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए, और उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण दो पुत्र हमें आपके चाहिए, क्योंकि राक्षस का अत्याचार और अन्याय दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और उस अत्याचार के लिए हमको आपके ये दो बालक चाहिए, जिनके द्वारा हम ऋषि मुनियों को तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए इन बालकों का अपने साथ अपने आश्रम ले जाना चाहते हैं। तो राजा दशरथ, क्योंकि उनको थे तो चारों पुत्र बड़े प्रिय, लेकिन सबसे प्रिय थे राम, और राम से विमुख और वियोग सहन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने देखा कि ऋषि विश्वामित्र, क्योंकि किसी समय विश्वरथ नाम के राजा थे, और उन्होंने अपना राज पाठ सब राज पाठ पत्नी बच्चे सब को त्याग कर और तपस्या की, और इतनी घोर तपस्या की कि तपस्या करने के बाद जो है उन्होंने गायत्री की स्थापना की, और उसके द्वारा इतना तप किया कि उन्होंने एक महाराज त्रिशंकु हुए हैं उसी समय में, उनके लिए जो है जब त्रिशंकु ने ये सोचा कि हमने मृतलोक में जन्म लेके मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद आज तक कोई अपराध नहीं किया, तो क्यों ना हम सात शरीर ही स्वर्ग जाएं, तो ऐसा चूंकि सृष्टि में संभव नहीं है, अभी तक जिसने भी उत्पत्ति छोड़ के जिसने भी यहाँ पे जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, तो उसको स्वाभाविक है कि जो पांच तत्व से शरीर बना है और मरने के बाद वो पांचों तत्व अपने अपने भाग में विलीन हो जाते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति सात शरीर स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जब ये बात उन्होंने विश्वामित्र को बताई तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, हम आपके लिए ये प्रयास करेंगे, और उन्होंने उनको सात शरीर स्वर्ग भेज दिया। जब सात शरीर स्वर्ग भेज दिया तो वहां पे देवताओं ने देखा कि ये मनुष्य कैसे यहाँ स्वर्ग में प्रवेश कर गया, और सात शरीर, तो जब ये इसको उठा के फेंक दो, तो चूंकि विश्वामित्र ने जब उनको स्वर्ग भेजा था तो उन्होंने अपने तप के द्वारा अपना तप उनको करके अपनी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग भेजा था, और जब कुछ समय बाद वो तप क्षीण हुआ तो उनको वहां से फेंक दिया गया। तो त्रिशंकु जो है नीचे त्रिशंकु आकाश की तरफ उनके पैर और पृथ्वी की तरफ उनका सिर, उसमें ऐसे ही उल्टे लटके हुए थे। उन्होंने वहीं से विश्वामित्र को आवाज दी कि विश्वामित्र मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो विश्वामित्र ने फिर उनको नीचे उतारा और कहा कि अपने तप के द्वारा मैं तुम्हारे लिए दूसरे स्वर्ग की रचना करूंगा, और ये वो उत्पन्न करने ही वाले थे कि इसमें फिर तमाम देवता उनके सामने प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि सृष्टि के विपरीत है, तो
तो फिर उन्होंने उनको ये बात मान ली। तो इस तरह हमारे यहाँ रामायण, महाभारत और गीता आदि सम्मिलित किए गए हैं। रामायण में भगवान राम का वर्णन है, महाभारत में जो है भरत के द्वारा, इसके बाद शांतनु और शांतनु के द्वारा, फिर महाराज पांडु और पांडु के बाद धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के बाद जो है धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने और भीषण युद्ध हुआ, ये वर्णन उसमें है। क्योंकि न्याय और अन्याय उसमें भी दिखाया गया, जिस तरह राम और रावण का युद्ध हुआ उसी तरह महाभारत में भाइयों में युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई और उन्होंने फिर पुनः उस राज्य को, हस्तिनापुर के राज्य को अपने उसमें राज्य किया। और इसी तरह फिर अगला ग्रंथ है गीता। गीता में ये भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, जो कुछ होगा ठीक होगा, जो कुछ आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह से गीता में जो भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन जब विचलित हुए, उन्होंने देखा कि जिससे मैं युद्ध कर रहा हूँ, सामने वाले तो सभी हमारे भाई बंधु हैं, कोई रिश्तेदार हैं, सामने हमारे गुरु द्रोणाचार्य भी हैं, सामने हमारे तात श्री भीष्म पितामह हैं और जो कुल गुरु कृपाचार्य हैं और हमारे सगे ताऊ के लड़के दुर्योधन दुशासन। तो इस तरह उन्होंने इतने विचलित हो गए कि हम इनसे कैसे युद्ध करें। और तब भगवान कृष्ण ने उसी समय इन्हें गीता का उपदेश सुनाया और गीता का उपदेश दिखाने के बाद उन्होंने अपने विराट रूप के दर्शन कराए और बताया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सब माया है और विधि का विधान है, विधि के विधान के अनुसार ही ये निश्चित है। इसलिए सामने वाले को ये भूल जाइए कि कौन है, इस समय केवल वो आपके विपक्ष हैं और आपको उनके ऊपर आक्रमण करना है और अपनी विजय सुनिश्चित करना है। तो इस तरह जब उनको ये उपदेश बताए गए तो इस उपदेश के द्वारा उनके अंदर परिवर्तन हुआ और अर्जुन ने फिर कौरवों के साथ युद्ध किया। इसी तरह वेदों की संख्या मैं बता ही चुका हूँ आपको कि चार है, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना वेद है और सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद इनमें हिंदू धर्म में त्रिदेवों और त्रिदेवियों की मान्यता दी गई है। इसका संबंध तीनों देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अस्तित्व से है। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि की उत्पत्ति करना तथा रचना करना है, विष्णु का कार्य संपूर्ण सृष्टि का पालन करना है तथा महेश का कार्य सृष्टि का संहार करना है। तो इस तरह तीन देव और तीनों देवियां यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो जो है ब्रह्मा जी की पत्नी जो है वो थी और जो है विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी और शिव की पत्नी माता पार्वती जी, ब्रह्मा की पत्नी गायत्री। तो इस तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों देव मिलके ये संसार का जो चक्र चल रहा है वो इन्हीं के प्रभाव से हिंदू धर्म में ईश्वर की सत्ता तथा सर्वोच्चता में विश्वास किया जाता है। हिंदू धर्म में आत्मा को अजर, अमर
और अविनाशी माना गया है, यानी शरीर जो भी क्रिया करता है, जो भी अस्तित्व में आता है, तो इसमें आत्मा के होने से होता है, और जब शरीर को आत्मा त्याग देती है तो ये देह निष्क्रिय हो जाती है, ना व्यक्ति बोलता है, ना कोई उसके हाथ पैर कार्य करते हैं, ना किसी भी प्रकार का भोजन करता है, ना किसी से किसी प्रकार का वार्तालाप करता है। तो ये सारी चीजें अस्तित्व में आने के लिए उसके अंदर आत्मा का वास है, और आत्मा ही एक ऐसी चीज है कि जब शरीर एक निश्चित समय पर किसी न किसी कारण से नष्ट होता है, तो नष्ट होने के बाद उसमें से आत्मा एक हवा के रूप में अदृश्य होके उस शरीर से निकल जाती है। जब आत्मा निकल जाती है तो वो देह निष्क्रिय हो जाती है, और जब निष्क्रिय हो जाती है तो लोग समझ लेते हैं कि फलाने व्यक्ति का किसी न किसी कारण से प्राणांत हो गया, और फिर विधि विधान के साथ जो क्रियाएं हिंदू धर्म में हैं कि उसके शरीर को उसके पुत्र के द्वारा मुखाग्नि दी जाती है, और उसके बाद उसके अन्य क्रियाक्रम जो विधि विधान है हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी सभ्यता में, कि उनकी अस्थियां फूल गंगा जी में विसर्जित की जाती हैं और उनको पुनः अच्छा जीवन प्राप्त हो या उनकी मुक्ति हो जाए, इसके लिए एक जो है ब्राह्मण और कन्या को भोज दिया जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो इस तरह अजर अमर और अविनाशी माना गया है। इस धर्म के अनुयायी पुनर्जन्म, बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। यानी इस धर्म के अनुयायी जो भी हैं तो वो जो है ये मानते हैं कि व्यक्ति का मरने के बाद पुनः जन्म होता है, और बहुदेववाद यानी कई अवतार होते हैं, और तो और मूर्ति पूजा यानी हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा के हम लोग समर्थक हैं। इस धर्म में जप, तप, व्रत, यज्ञ और हवन कीर्तन आदि कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी अपने अपने जो है जीवन को सुधारने के लिए और उसको सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमारे धर्म में जप यानी तुलसी की माला के द्वारा जप किया जाता है, और तपस्या के द्वारा तप किया जाता है, और व्रत यानी बिना भोजन के व्यक्ति व्रत करता है, और हवन सामग्री इकट्ठी करके और उसके द्वारा यज्ञ करता है, और यज्ञ करने से वायुमंडल वातावरण उस वहाँ का शुद्ध होता है, क्योंकि यज्ञ में जो भी सामग्री होती है उसमें तिल है, जौ है, और आपके घी है, और पीपल की, आम की, और उसकी का नाम छिपटे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह इससे भी हमारे समाज में अमन और शांति का वातावरण प्रशस्त होता है। हवन कीर्तन यानी भगवान के नाम लेने का अनेक तरीके हैं। एक तो व्यक्ति व्यक्तिगत माला लेके बैठ जाता है और राम नाम का जप करते हुए माला के गुड़ियों को खिसकाता जाता है, और माला वो या तो 108 गुड़िया की होती है या 1001 गुड़िया की होती है। इसी तरह कभी कभी लोग कीर्तन के माध्यम से यानी गा के भी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, आदि कार्यों का विशेष महत्व दिया जाता है। इस धर्म में इस कर्म के सिद्धांत को वशिष्ठ स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के सिद्धांत ये हैं कि परोपकार यानी दूसरे के ऊपर उपकार करना, त्याग यानी मन में त्याग की भावना रखना है, किसी को किसी चीज की आवश्यकता है तो यानी व्यक्ति भोजन लिए है और भोजन करने वाला है, लेकिन सामने कोई और भी बैठा है तो वो उससे जरूर पूछेगा क्यों भाई भोजन करोगे, अगर उसने स्वीकृति दे दी तो उसको भी भोजन कराएगा, चाहे वो क्यों
उसको भोजन भरपेट ना मिल पाए लेकिन वो दूसरे का भी ध्यान रखता है, ऐसी भावना निष्काम कपट सच्चरित्रता और सदाचार हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। हिंदू धर्म के मूल तत्व शुद्ध आचरण, सद्व्यवहार, नैतिकता का पालन, अहिंसा का पालन, उदारता, दया, विनम्रता, सदाचार का पालन, चोरी न करना तथा धार्मिक सहिष्णुता हिंदू धर्म के मूल तत्व हैं। तो इस तरह हमने आज आपको शारीरिक शिक्षा में हिंदू धर्म के बारे में जो जानकारी दी है वो आप अपनी शारीरिक शिक्षा की उत्तर पुस्तक में नोट कर लें, और यही मैं आपको शायद व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा, तो आप जरूर अपनी शारीरिक शिक्षा की कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। बंद कर दो सैनी।